तो यहाँ बनाया घर, ये देखिए। तो अब हम कथा सुनेंगे चिड़ा चिड़ी की, ठीक है जी। हाँ, मैंने बना लिया घर। अब की बार मैं मंदिर नहीं गई, मैं चने से घर बनाती हूँ। फिलहाल मैंने यार सिंपल तरीके से घर बनाया है, और बस यार मतलब बिहार जी परिवार, और बस यही प्रार्थना करती हूँ हमारा घर भरा पूरा रहे। और इस तरह से ये दो सर से बाइक खड़ी कर दी है, लेकिन बाइक नहीं है, एक्चुअली में खाने की चीज़ है, क्योंकि ये सारा सामान फिर हम बाद में बांट देंगे किसी को भी, तो इसलिए मैंने खाने की चीज़ रखी है। बाकी भी रखती हूँ, तो मैं जब मैं चने का घर बनाती हूँ काफ़ी बड़ा रखती हूँ, लेकिन आपके मंदिर में नहीं जा पाई, चने भिगोना भूल गई थी। तो फिलहाल जैसे मैं उसे बन पाया वो मैंने करा है, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर बताऊँगी जब मैं बहुत बड़ा सा घर बनाती हूँ तो फिर क्या क्या सामान रखती हूँ, क्या क्या करती हूँ। तो अब पढ़ेंगे, ये चिड़ा चिड़ी बीच में बना दी है, इनकी कथा मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है जी। ये देखिए, पहले तो इस तरह से बनाया है। तो ये कमरे हैं, आपको जितना कमरे बनाने हो आप उस हिसाब से कमरे बना सकते हैं, और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि ठाकुर जी हमारा घर भी खूब बड़ा हो, खूब अच्छा हो, जिसमें आपका बहुत बड़ा आलीशान जो आपका ये मंदिर है, इससे भी बड़ा बहुत बड़ा मंदिर हो, और आप वहाँ पे और सुंदर से सजो, और सुंदर से हम आपकी सेवा करें, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। चलिए जी, चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं। चलिए जी, कथा पढ़ लेते हैं। लोटा ले लिया है, लोटे के नीचे पहले आप मतलब या तो सातिया बना लीजिए, या फिर जो चावल जो रखना वो रख लीजिए, और मैंने नीचे जो रख लिए थे लोटा ले लिया है। लोटे पर सातिया बना रही हूँ, और लाल बिंदी से बिंदी लगा रही हूँ, मतलब कुमकुम से ही आपको करना है। और चलिए जी, अब हम कथा सुनते हैं। तो जो या चावल या तिल ले सकते हो कथा सुनने के लिए, थोड़े से लोटे में डाल लेंगे। चिड़ा चिड़ी कहानी पढ़ ली हो, तो यहाँ पे लोटा रख लिया, इसमें जो डाल दूँ थोड़े से। एक बार की बात है, चार चिड़िया थी, वह चारों ही कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं तो खिचड़ी बनाएंगे खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है, और जिसने खुरचन खाई वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, हथिनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हो तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं, तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी अब उठ जाती है। राजा के यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें बता दी, पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यह कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। बोलो कार्तिक मास की जय। पढ़ लेंगे। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बनना था तो बोली पत्थर का गणेश बना, तो मिस्त्री बोले जितने हम तेरा पत्थर गणेश अगेड़ेंगे उतने ही मैं अपनी दीवार चिनाएंगे। बुढ़िया बोली राम कहे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी होगी तो वह चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया तूने। तो वह कहने लगी बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही, बनाते हैं टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया बुलाई, सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया, सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना, कहते सुनते हम सबका भंडारे भरे। बोलो गणपति भगवान की जय। जैसे आज कार्तिक मास का पर्व का हमने चिड़ा चिड़ी की कथा सुनी, तो ऐसे अब ये आपको जल, अब आपने दिन में सुनी है कथा तो जल सूर्य भगवान को देते ना, अगर रात में, अब मैंने भी जैसे शाम को रात को ही सुनी है तो मैं सुबह दूंगी अर्घ सूर्य को, ठीक है जी। तो आप रख सकते हैं, नहीं पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। सुनेंगे चिड़ा चिड़ी की कहानी, जो मैंने इसी वीडियो में सारी क्लिप जो कार्तिक मास से संबंधित डाल दी है, अगली बार से सोचूंगी आपको अलग से लेने की।
तो यहाँ चिड़ी की कहानी और घर बनते हैं। तो मैंने आपकी बार इस तरह से घर बनाया है, और वरना मैं हर बार बहुत अलग तरीके से घर बनाती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको जरूर से दिखाऊंगी। तो राधे राधे, चलिए जी शुरू करते हैं। और नेक्स्ट डे दोज वाले दिन मैं 5 बजे जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि भोले बाबा चढ़ते 2 संतरे जिसमें से एक आपको घर लाना होता है। तो चलिए जी, ये वीडियो समाप्त करती हूँ। राधे राधे।